नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद के वरिष्ठ डॉक्टर, वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनवर अहमद साहब हैं। एक शख्स, लेकिन शख्सियत उसमें बहुत ढेर सारी। आज डॉक्टर अनवर साहब से मिलकर मुझे ही बहुत खुशी हो रही है और डॉक्टर साहब से मैं बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, एक डॉक्टर होने के पहले मैं एक पत्रकार के रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप पत्रकार भी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पत्रकारों को आपने बनाया हुई है तमाम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में क्या डिफरेंट है, और अब ज्यादा कठिन है या तब ज्यादा कठिन था? देखिए, अगर सही देखा जाए तो तब की जो पत्रकारिता थी वो समाज के लिए थी, समाज में रहने वालों के लिए थी, देश के लिए थी, देश हित के लिए थी और सामाजिक कार्य के लिए थी। अब जो पत्रकारिता है, अब पत्रकारिता में बहुत फर्क आ गया है। अब ज्यादातर, अगर बुरा ना माने लोग, तो अब ज्यादातर पत्रकारिता का संबंध पैसे से हो गया और चटुकारिता से हो गया है, और इंसान को अपने फायदे के लिए लोग पत्रकारिता का इस्तेमाल करने लगे। नहीं, चुनौतियां नहीं रही हैं? देखिए, चुनौती तो हमेशा रही है, आजादी से लेके अब तक और हमेशा रहेगी। इसलिए कि चुनौती में का मतलब ये नहीं कि हम देश में गलत मैसेज देके और लोगों को हम गुमराह करें, गलत तरीके से हम लोगों को बयानबाजी करें। अब जरूरत यह है कि हमें, देश तभी हमारा बढ़ेगा जब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलके पूरी तरह से एकजुट होकर देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में कोई कार्य करें। अगर हम इससे अलग हटे और हम सिर्फ अपने हित के लिए सोचें, या अपने परिवार के लिए हित के लिए सोचें, या अपनी पार्टी के लिए हित के लिए सोचें, तो ये देश का दुर्भाग्य है। तो ये पत्रकारिता में डिफरेंट आया है बहुत ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक अगला सवाल ये है कि एक कोरोना महामारी आजकल चल रही है। हाँ? सर, आप तो और भी महामारी देखे होंगे जिसमें प्लेग है, हजा है, टीबी है, सर ये बताइए कि तब की महामारी ज्यादा पैनिक थी या आज की महामारी ज्यादा पैनिक है? देखिए, पैनिक दोनों समय थी, लेकिन तब ना मीडिया इतना था, ना अखबार इतने थे, ना सोशल मीडिया का कोई वर्किंग था, तो पब्लिक में इतनी पब्लिसिटी नहीं होती थी जितनी इस वक्त पब्लिसिटी हो रही। तो कैजुअल्टी के मामले में क्या था कि पहले कैजुअल्टी ज्यादा होती थी कि आज ज्यादा होती? पहले तो आप पूरा मोहल्ला खत्म हो गया। अच्छा? शहर खत्म हो गए, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले इतना अवेयरनेस भी नहीं थी, पहले लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो सफाई का उनके पास कोई वो नहीं था, जो 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 पाया खा लिया, जैसे पाया खा लिया। आज भी हमारे गांव में, देहात में आप देखिए, रूढ़िवादिता भी नहीं होगी तो वो तो थी कि लोग झाड़ फूक के ऊपर कि कुछ हो गया है ना, भूत प्रेत आ गया है, जिसकी वजह से कोई देवी आ गई है, जिसकी वजह से देवी नाराज हो गई, इस उस पे मौतें हुआ करती थी, लेकिन उसकी लोगों को जानकारी नहीं हुआ करती थी। आज भी अगर पुराने 40 साल 50 साल पहले के लोगों से पूछे तो वो बताएंगे कि हाँ देखिए, कितने कितना पूरा गांव खत्म हो गया, पूरा पूरा शहर खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। और आज भी लोग उसकी मिसाल भी देखते हैं कि प्लेग आया था, कॉलरा आया था, कॉलरा हमारे समय में अभी 82-83 में इतना भयंकर फैला था कि मैंने अपने, जबकि उस वक्त हमारी क्लिनिक थी, लेकिन बहादुरगंज जैसी जगह पे गली में 200 चारपाई बिछा के और वहां पे मैंने मरीजों को 3 दिन तक कंटिन्यूअस मैनेज किया, और ईश्वर की कृपा रही कि वो सारे मरीज हमारे ठीक हो गए, जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया देखने के लिए, पूरी अखबार वाले सब आ गए देखने के लिए कि अरे इतना वो कर रहा, सब ने हमको आश्वासन दिया कि पूरी मदद आपकी होगी, आप जो काम कर रहे हैं करिए। तो बारन वो तो किया, लेकिन आज भी जरूरत इसकी है कि हम रोग को भी धर्म से जोड़ दे रहे हैं,
भाई देखिए, हमेशा हर मजहब में, हर मानने वालों में जितना भी है, सिर्फ अच्छाइयां ही सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और उनका उद्देश्य ही अच्छा करना रहा है और पब्लिक जनहित में करना रहा है। कोई भी धर्म किसी बुराई की तरफ रास्ते पे चलने की इजाजत नहीं देता। धर्म पर भी मेरा एक सवाल था, एक बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राम मंदिर को लेकर, तो फैसला आ गया, आपने भी यही कहा था कि लोगों को दे देना चाहिए, उसके दौरान आपने एक चीज और कहा था कि जितने मुस्लिम हैं सब कभी हिंदू रहे हैं, माइनोरिटी मुस्लिम हैं, तो ये कितना सही है? ये तो हकीकत यही है भाई, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम कब से आया? 1400-1450 साल पहले ही आया ना, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उसके पहले तो इस्लाम को कोई जानता नहीं था, ना इस्लाम धर्म का कोई वजूद था। तो अब मोहम्मद साहब के पहले भी जो नहीं इस्लाम धर्म नहीं था, नहीं वो इस्लाम धर्म के नाम पे नहीं थे। उन्होंने जो मैसेज दिया, वो जितने भी पैगम्बर आए और जितने भी देवी देवता आए, उन हकीकत यह है कि उन सब ने मैसेज दिया कि ईश्वर एक है ना। और हकीकत अगर आप देखिए तो इस्लाम का मानने वाला जब तक सारे धर्मों की किताबों को नहीं मानेगा, सारे पैगंबरों को नहीं मानेगा, वो उस वक्त चाहे जिस धर्म के पैगंबर आए हो, लेकिन चार आसमानी किताबें हैं ना, और उन चारों में अलग अलग धर्म के वो थे, जिसमें हिंदुइज्म का भी था, ईसाइयत का भी था, यहूदी का भी था, सब सारे धर्म के थे, और किताबें भी आसमानी चार किताबें हैं, उन सब को एक मुसलमान को मानना कंपलसरी है। और सारे धर्म के जो मैसेंजर ऑफ गॉड आए दुनिया में, तशरीफ पैगंबर आए, उन सब को मानना जरूरी है। उसमें श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, मतलब सारे 1,35,000, 1,75,000 पैगंबरों का जिक्र है कि अलग अलग दौर में आए ईश्वर को, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए नहीं। सर इस पर मेरा सवाल आज की राजनीति पर रहेगा, आप वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं, बहुत सीनियर हैं, राजनीति को बहुत आपने देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से आपने देखा है, आप मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आज ज्यादा नफरत की राजनीति है या नफरत की राजनीति पहले? आज जो राजनीति है, आज की राजनीति वो बदले की राजनीति, उसने हमको ये कहा, कैसे कहा, उसको उसके पीछे हम पड़ जाएंगे, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। हम पहले की राजनीति इंदिरा गांधी को सालिग्राम जयसवाल में, हमारे गुरु वही थे राजनीति के, उन्होंने हमेशा बुरा कहा, पंडित नेहरू को हमेशा बुरा कहा, लेकिन पंडित नेहरू जब भी दुनिया में इलाहाबाद में आते थे, बगैर सालिग्राम जयसवाल जी के घर गए, उनका पैर छुए वापस नहीं जाते थे जी। इंदिरा गांधी जब भी यहाँ आती थी ना, जबकि वो जानती थी कि हमारी ये अपोनेंट है, ये हमारे मुखालफत में है, लेकिन वो थे सोशलिस्ट थे ना, कांग्रेस बहुत कोशिश किया, नहीं ज्वाइन किया, तो उस वक्त लेकिन इतना वो था कि वो विपक्ष का भी सम्मान होता था। आज वो नहीं, आज वो नहीं रह गया, आज तो विपक्ष दुश्मन है, आज विपक्ष के पीछे वो है, जरा ना कोई बोलता है तो उसके पीछे सीबीआई, ईडी, फलाने दिमागे सब लगा दी जाती है, ये गलत है। इसलिए कि देखिए ये परंपरा नहीं पड़ी है, पहले ये नहीं पड़ी है, ये नहीं पड़ी है, ये पहले कभी नहीं था ऐसा। देखिए गलतियां सब ने किया, हर जो सत्ता में आया उसने गलती किया, और वो भी बदला करते लेते थे, लेकिन गुपचुप बदला लेते थे कि किसी को भनक भी नहीं लगती थी और काम कर लेते थे। अब ओपन है, अब तो हर चीज ओपन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा आपने कहा कि अब जो है बदले की राजनीति, नफरत की तो ज्यादा नहीं, नफरत की भी उसके साथ साथ बदले तो बदले में नफरत आ ही जाएगी। सर आप एक साहित्यकार रहे हैं, आज के जमाने में आप नए युग में जब देख रहे हैं, लोगों की साहित्य के प्रति रुचि कम होती जा रही है, हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य में लोगों की रुचि कम होने का आप क्या कारण मानते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब लोग टीवी खोल के और हर चीज उसमें देख ले रहे हैं, तो कौन किताब उठा के पढ़े, कौन अखबार उठा के पढ़े, इस वजह से अब साहित्य और लिटरेचर जो भी कहिए, अब उसका उस पे लोगों की रुचि नहीं रह गई ना। अब तो नए नए वो नए नए तरीके ऐसे आ गए हैं कि आज की जनरेशन, हमारे बच्चे माँ बाप से क्या हर पूरे दूर होते जा रहे हैं, क्यों
जिसको देखिए मोबाइल लिए पड़ा हुआ है, मोबाइल से हटने के का नाम है अगर आप बच्चे से छीन लीजिए तो आपको दौड़ा लेगा। तो उसमें मतलब मोबाइल का ने इस तरह से बर्बाद किया। और इंटरनेट में जिस तरह इंटरनेट से फायदे भी हैं लेकिन उतने ही नुकसान भी हुए। पुरानी चीजों का जो है पुराने चीजों का अंत हो गया है, नई चीजें हो गई, नंगापन खुल के आ गया है। और इसमें हम तो हमारा अपना वो ये है कि हमारे समाज ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने, हमारे न्यायपालिका ने जिस तरह से जो कुछ निर्देश और आदेश जारी किए उसने हम समाज को और नंगा कर दिया। जैसे कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, कोर्ट के फैसले भी जो है नहीं भाई तो न्यायपालिका वही तो कह रहा हूँ। ये इसका क्या मतलब है, कहाँ से नेचर को आपने बदल दिया? नहीं ना, ये बिल्कुल गलत था। ये वेस्टर्न में हुआ करता था, हमारे भारतीय समाज में हमने इसको एकदम वो कर दिया। उसके अलावा आज किसी की भी पत्नी किसी के भी साथ रात गुजार सकती है, लिविंग रिलेशन एक बालिक दूसरे बालिक के साथ रह सकता है, उससे जो औलाद होगी वो भी जायज होगी। तो ये कहाँ का होगा? इसने तो आप ये सोचिए कि समाज को तो एकदम गंदा क्या बर्बाद कर दिया है। और अभी इस तरह के हालात में अब लोग शादी तो भूल जाएंगे। डॉक्टर साहब एक जानकारी और चाहिए, ऐसी जानकारी का ये आपके लिए खुशी की बात भी हो सकती है। आपके पुत्र हैं डॉक्टर अल्ताफ साहब, आज आप तो पुराने हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि डॉक्टर अल्ताफ ने जो है समाज में नई लकीर खींची है जो डॉक्टर अनुमान से भी बड़ी है? कैसा महसूस करते हैं? हर बाप को औलादों के आगे बढ़ने पे खुशी ही होगी, बशर्ते कि वो जनहित में हो, राष्ट्र हित में हो, है ना, और समाज के हित में हो। तो हमेशा उसमें खुशी का ही वो फीलिंग होगी। लेकिन अगर कोई औलाद गलत रास्ते पे निकल गया, शराबी निकल गया, जुआनी निकल गया, जालिम निकल गया, तो उस पे माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। और इतना शर्मिंदगी होती है कि वो दुनिया में भी शर्मिंदा होंगे और मरने के बाद भी आखिरत में भी उनको शर्मिंदा की ही बड़ी खुशी होती है कि कम से कम डॉक्टर अनुमार जो है आज अपना नाम, आपका नाम और आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक हमारे सारे बच्चे ईश्वर की कृपा है कि हमेशा हमने अपने अपने पिता से जो पाया वो हमारे बच्चे हमसे ले रहे हैं। डॉक्टर अल्ताफ में तो एकदम सेम जो डॉक्टर अनुमार में वो डॉक्टर अल्ताफ। अच्छा डॉक्टर साहब आगे एक चीज और है, आपको लगता है कि कोरोना महामारी के लिए और कदम उठाए जाने चाहिए थे सरकार द्वारा, या सरकार ने जो उठाया वो सही उठाया, सही समय पर उठाया? देखिए वो सही उठाया, सही समय पर उठाया, लेकिन अब उसको डिस्टेंस को, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए और सफाई एवं सबके पब्लिसिटी करते हुए जरूरत है कि कारोबार को छोड़ा जाए, इंडस्ट्रीज को छोड़ा जाए, बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए। जिस तरह से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब हमारे यहाँ तो दिन भर में कम से कम सैकड़ों लोग आते हैं, खाने को नहीं है। अब जो हमसे हो सकता है ईश्वर ने जो दिया है वो हम करते रहते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि बेचारे वो जाए कहाँ, किसी पे भरोसा करके आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो खाली नहीं होंगे। पूरा इस मोहल्ले में आप ये देखें क्या, पूरे शहर में बहुत सारे लोग, जबकि सरकार ने बहुत वो किया है, हमारे योगी जी ने बहुत इस पे कदम, अच्छा कदम उठाया है, बहुत काम कर रहे हैं और बड़ा नए लोगों को सहूलियत पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी कमाई अपनी होती है ना। खैरात अभीर और दूसरों की मदद से आदमी कितने लोग हैं कि जो शर्म के बारे नहीं जाने जा पाते कि हम इनसे मांगे, मध्यम परिवार की तो ये पीड़ा है, वही बता रहा हूँ, शर्म के मारे बेचारे नहीं जा पाते हैं। अब हम तो देखते हैं कि हम घर घर में सर्वे करवाता हूँ कि कहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है, चुप्पे से वहाँ भेज देते हैं, ना हमने कभी फोटो खिंचवाया ना हमने कभी बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी कायदे की बात है। इसलिए कि देखिए जब हम मदद करें तो इतने गुपचुप से कि हमारे यहाँ दीन के लिहाज से कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले। बिल्कुल सर, मेरा सर एक आपसे ये भी है कि आपने तो इलाहाबाद को प्रयागराज बनते हुए देखा है,
डॉक्टर साहब कुछ मेमोरी बताइए कि क्या बदल गया नया, या पहले क्या था अब क्या हो गया। देखिए प्रयागराज शब्द सन 85 में मैंने ही इलाहाबाद को दिया था और उसी के ऊपर हमने प्रयागराज टाइम्स हिंदी दैनिक न्यूज़पेपर निकाला था जिसपे हमारे बहुत से मुस्लिम समुदाय के जो अच्छे इंटेलेक्चुअल्स थे वो नाराज हुए कि साहब आपको कोई नाम ही नहीं मिला था। प्रयागराज टाइम्स का आपने नाम दिया, आपने एक मतलब सीधी तौर पे कि आपने हिंदू नाम रखा। तो हमने उनको ये बताया कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की कोई जगह नहीं, जिस तरह से इस्लाम में मुसलमानों में पूरी दुनिया का एक मरकज है मक्का मदीना, वैसे ही हिंदू धर्म के लिए एक ही वो मक्का कह लीजिए चाहे जो धाम कह लीजिए वो प्रयागराज है। तो अगर उस एक धर्म के लिए इतना बड़ा जो सेंटर हो तो अगर उसको ओरिजिनल नाम दे दिया जाए तो उसमें क्या बुराई है। आप सहमत हैं कि इलाहाबाद में सर दूसरी चीज जानना चाह रहा था कि कुछ मेमोरी ऐसी बताइए पहले क्या था अब क्या बदल गया। देखिए पहले जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं रही होंगी, पहले अब में बहुत फर्क हो गया। पहले जमीनें थी 4,000-5,000 रुपए बिस्वा पैसा नहीं था, अब जमीन है 10,00,000-20,00,25,00,000 1,00,00,000 रुपए रिश्वत, ये फर्क हुआ है ना, मतलब तरक्की हो गई। हाँ दूसरे लेकिन पहले गरीबी जरूर थी लेकिन आपस में मोहब्बत खुलूस और भाईचारा एकता हर हिंदू मुसलमान में वो बहुत ज्यादा थी। आज आपको इसकी कमी लगती है क्या? देखिए कमी लगती नहीं है और न कोई हिंदू न कोई मुसलमान एक दूसरे के बगैर रह सकता है और न रहना चाहता है, लेकिन हमारे राजनीति से जुड़े लोग इसको इस तरह से का रुख बना रहे हैं कि कैसे आपस में नफरत पैदा हो। लेकिन हमारा देश ये इतना समझिए इतना प्यारा देश है कि यहाँ पे कितना भी कोई साजिश करे वो इस पे कामयाब नहीं हो सकता। हम हिंदू मुसलमान हमेशा रहे हैं आपस में और हमेशा आपस में रहेंगे, न एक दूसरे के बगैर खा सकते हैं न जी सकते हैं। डॉक्टर साहब आप हमेशा इतना एनर्जेटिक रहे हैं, मैं तो आपसे लगभग 15 साल से परिचित हूँ, इलाहाबाद में और लोग जानना चाहिए, डॉक्टर साहब रिटायर होंगे कि इससे जवान बने रहेंगे? देखिए जब हम ही नहीं कोई भी जब गरीबों की दुआ हमेशा हासिल करता रहेगा पाता रहेगा तो वो ऐसे ही हमेशा चमकता रहेगा। जो लोगों की नफरत लोगों की बदवा लोगों के दिल से प्यार न पाने वाला वो हमेशा फूल मुरझा जाएगा। जिस फूल में जिस पेड़ में हर धूप पानी हवा बराबर से मिलती रहे वो हमेशा खिलते हैं। लास्ट सवाल ये प्रयागराज के लोगों को डॉक्टर अनवर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो मैसेज देंगे कि हम भारतीय सबसे पहले और हर भारतीय का फर्ज है कि आपस में इतनी मोहब्बत और इतना प्यार इतना व्यवहार बढ़ावें बांटें कि दुनिया उसका सबक ले रहे और दुनिया उस पर देखे कि देखो फला शहर ऐसा है जहाँ पे वाकई जाइए आप तो देखिए सब एक दूसरे में कितना प्यार है। जिस तरह से हमने अपना पूरी जिंदगी गुजारी हमेशा हमने किया हमारे हॉस्पिटल में हमारे स्टाफ में 80% नॉन मुस्लिम है 20% मुस्लिम है, हमारे मरीजों में 80% नॉन मुस्लिम है, लेकिन जो हमारे मरीज हैं पूरे इलाहाबाद क्या पूरे इर्द गिर्द के स्टेट से आते हैं उनसे को इतना प्यार मिलता है और मैं भी देने की कोशिश करता हूँ कि वो पैसा हो चाहे ना हो लेकिन हमारे पास आए हैं तो हमेशा खुश होके जाए, बस यही हमारा हमेशा बोला। डॉक्टर साहब आप मेरे टॉक शो में भाग लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। दुनिया को हमेशा प्यार बांटने वाले डॉक्टर अनवर साहब का कहना है कि पहले की राजनीति बदले की राजनीति नहीं होती थी, आज की राजनीति में थोड़ा सा यह फर्क है। प्रयागराज टाइम्स अखबार की स्थापना करके सबसे पहले 1985 में प्रयागराज नाम दिया था डॉक्टर अनवर साहब ने, जो आज प्रयागराज जिले के नाम से है।
बेटे अनवर साहब का मैसेज है कि सबको प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, जो प्यार और मोहब्बत से रहता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत, आपको आगे भी मिलवाते रहेंगे प्रयागराज के नए।